शिवपुरी के झांसी तिराहे से हवाई पट्टी पर सड़क निर्माण का कार्य लगातार जारी है, जिसके चलते ठेकेदार की मनमानी सामने आई है। आपको बता दें कि पुरानी सड़क पर ही ठेकेदार ने अपनी मनमानी के चलते डिवाइडर बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध किया तो ठेकेदार ने काम ही बंद कर दिया। वहीं कुछ दिनों पूर्व शिवपुरी विधायक एवं खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी दौरे पर आई थी, तभी उन्होंने झांसी रोड का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की शिकायत पर ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए थे कि वह सड़क निर्माण कार्य पहले करे, बाद में डिवाइडर बनाए। इसके बाद ठेकेदार ने काम करना ही बंद कर दिया। वहीं इस मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह यादव का कहना है कि 7 दिन का ठेकेदारों को समय दिया गया था, अगर वह काम शुरू नहीं करते हैं तो 15 दिन बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। रहवासियों ने बताया कि धूल मिट्टी से लगातार पिछले 5 सालों से परेशान हैं। जैसे तैसे सड़क बनने पर उनकी उम्मीद जगी कि अब धूल मिट्टी से निजात मिलेगी, लेकिन फिर से अब उनको धूल का संदेश धंश झेलना पड़ेगा लेकिन उनको फिर से धूल का दंश झेलना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि उन्हें धूल मिट्टी की आदत पड़ चुकी है, अब उन्हें ये नहीं लगता कि सड़क बनेगी। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा रियाज खान। कहाँ रहते हो आप? कमलागंज। कमलागंज, यहाँ पे एक आपकी शॉप है? हाँ, ये डिब्बा रखा है हमारा। डिब्बा रखा, क्या लग रहा है आपको कि ये रोड का कार्य चल रहा है? क्या रोड का? 5 साल से हम यहाँ, 15 साल से आएंगे, और 5 साल से रोड ऐसी डली है, धूल मिट्टी का लगा के हम लोग बीमार हो चुके हैं। और इसकी पहले शिकायत वगैरह यही आ चुके हैं, हम लोग इंटरव्यू लेने, कोई रोड का काम नहीं है, 5 साल से रोड ऐसी पड़ी है, बिल्कुल बेकार। इसमें मोटरसाइकिलें पूरी नई नई खत्म हो चुकी हैं, और आदमी चाहे गिर जाता है, चाहे उसके लग जाती है पैर हाथ में, और उसको कोई वो नहीं है जाली रोड का। अब जो डायबिलेशन उन लोगों ने बनाया है, तो इन्हें रोड डाली नहीं है, और वैसे सरिये खड़ी करके सीमेंट गिट्टी करके चलेगा ये लोग। पहले डिवाइडर बना दिया? हाँ, पहले डिवाइडर बना दिया, उन्होंने सीधा खड़ा कर दिया, ना रोड खोदी ना कुछ करो उन्होंने, और जो ना उस पर पानी का वो चल रहा है कुछ भी, वैसे सूखी चल रही है, वो कोई भी मोटरसाइकिल वाला बढ़ जाएगा तो वो टूट जाएगी। पहले जैसे रोड का कार्य शुरू होता है तो डामरीकरण होता है, हाँ होता है, और उससे पहले जैसे ये धूल की स्थिति बनती है तो पानी का भी छिड़काव होता है? पानी का होता है ना, नहीं उन लोगों ने गिट्टी बचाई थी तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा एक टैंकर से पानी डाल चुके थे वो, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं करा गिट्टी डालने के बाद, उन्होंने गिट्टी का काम बंद करके डिजाइवेशन बना दिया। आप कितना संतोष है इस कार्य को? हमको कुछ भी संतोष नहीं है, हम लोगों को धूल मिट्टी की हमको आदत पड़ गई है, और हम लोग बीमार रहते हैं, और कई गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, वो गाड़ी वाले कहीं भी गिर जाते हैं ये गिट्टी के वजह से। भैया, क्या नाम है आपको? मेरा नाम फारूक खान है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, हवाई पट्टी पे। जो आपके जो पीछे ये रोड का काम हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? ये काम पूरी तरीके से गलत हो रहा है, पहले डिवाइडर बनाया है इसके बाद रोड डालेंगे, जबकि पहले रोड बनना है इसके बाद डिवाइडर बनता है। इससे किस प्रकार की क्या आप लोगों को समस्या आ रही है? समस्या एक तरफ की पूरी रोड बंद है, एक तरफ से पूरी रोड चालू है, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, नो एंट्री के बाद भी गाड़ियां अंदर आ रही हैं। ये हालत है कि यहाँ के रहवासी इतने परेशान हो चुके हैं धूला के मारे, डस्ट के मारे, कि उनको कई तरह की बीमारियां भी हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो पूरा जिम्मेदार है व्यक्ति अपना, ये इतना मतलब वो खोज चुके हैं अपना कि वो अपने सही जो तरीके से होते हैं वो कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करवा पा रहे हैं, बिल्कुल। डिवाइडर भी जो बना हुआ है, डिवाइडर बना हुआ है इसके बाद सीमेंट और कंक्रीट के बाद उसकी तराई होती है पानी से, उसकी कोई तराई नहीं हुई है, केवल उनने थोड़ा थोड़ा सरिया गाड़ के डिवाइडर बना दिए और वो गलत तरीके से बने हुए। जैसे कोई कार्य होता है धूल का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि काफी सारी बीमारियों का भी सामना लोगों को करना पड़ता है, धूल होती है तो धूल से पहले पानी का वो कुछ करना पड़ता है, तो इसमें आप क्या कहोगे? इसमें इन्हें किसी भी तरीके कोई भी टैंकर से पानी की व्यवस्था नहीं करी है, वो तो अपना काम करके और चले गए। इसके बाद धूला की ये डस्ट की इतनी बुरी हालत है कि भैया यहाँ से कोई निकलने को तैयार ही नहीं है, और काफी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं यहाँ। अभी 2 दिन पहले एक बाइक वाला गिर गया बेचारा, उसकी पैर फ्रैक्चर हो गया है, इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से लोग निकलना दुश्वार हो चुका है। और आपको क्या लगता है कि जो यहाँ का ठेकेदार है तो उसके द्वारा कई प्रकार की जैसे लापरवाही बरती जा रही है, आप क्या मानते हो कि यह कार्य अगर होता है तो बाद में भी इस प्रकार की क्या समस्या है? कहीं ना कहीं ठेकेदार को ऊपर की नेता या मंत्रियों की तरफ से पूरी सेह मिल रही है, तभी तो इस तरीके का काम हो रहा है, बिना उसके कोई काम हो ही नहीं सकता, नहीं तो ठेकेदार ऐसा कर सकता है कि?
कई वर्षों से, कई सालों से इसकी जो रोड की जर्जर हालत थी, और इस बार जैसे ये काम चालू हो गया, फिर भी ऐसी स्थिति में ये चालू हुआ है, क्या मानना है? मुझे नहीं लगता कि सर कि ये आगे रोड बन पाएगी, क्योंकि इस रोड की हालत आज 4 साल से लोग बिल्कुल परेशान है और आगे भी कोई स्थिति नहीं है। अब मंत्री जी ने बता दिया कि दोबारा डिवाइडर टूटेगा, काम बंद हो गया है, पूरी जनता परेशान है। क्या लगता है डिवाइडर टूटेगा आधे सारे, लेकिन जो डिवाइडर का जो खर्चा हुआ है तो वो कैसे क्या मेंटेन? कहीं ना कहीं सब पूरी मिली। सर ये झांसी रोड पर ये काम चल रहा है जिसमें पहले डिवाइडर बनाया जाना है, क्या कुछ सर ये कारण चल रहा है? काम चल रहा है उसमें डिवाइडर बनाया जाना है इसलिए बन रहे हैं। सर ये पहले डिवाइडर कैसे बनाए जाने के? ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइडर पहले ही बन सकते हैं, बाद में ही बन सकते हैं। सर ये कारण चल रहा है जिसमें धूल मिट्टी के लोग शिकार हो गए, तो सर धूल से धूल के लिए क्या व्यवस्था? नहीं, ठेकेदार डिफॉल्टर हुआ, उस पर कार्रवाई की गई है। अब आने वाले 15 दिन के अंदर अगर ठेकेदार प्रोग्रेस नहीं लाता है तो उसको फिर दोबारा से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अभी सर जैसे ये काम बंद पड़ा हुआ है सर, तब से क्या उम्मीद है कि इसी वीक में 7 दिन के अंदर काम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोबारा स्टार्ट नहीं करता तो 15 दिन में हम ठेकेदार को टर्मिनेट कर देंगे।